रेडियो फॉर दिस ब्यूटीफुल ओकेशन यानी कि ग्रैंड फिनाले ऑफ अशोक मसाली प्रेजेंट मिर्ची कुकिंग आइडल सीजन 3 कुकिंग का महासंग्राम। कल जैसा कि आप लोगों को पता है कल हुआ था सेमीफिनाले और उसमें कई लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, तो वैसे आज जो है ना आज कई लोगों के दिलों की धड़कनें और ज्यादा भी तेज हो रही हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि कहते हैं यूं तो जिंदगी में कई सारे दिन आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन हमारी जिंदगी में यादगार हो जाते हैं। वैसे ही आज का ये दिन किसकी जिंदगी में यादगार होने वाला है, यानी कि सभी की जिंदगी में यादगार होने वाला है आज का ये दिन। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस दिन में यानी कि आज के इस महासंग्राम में जो हमारे जूरीज हैं, तो देखते हैं किसको मिलता है जजेस का प्यार और किस पे होते हैं जजेस के कमेंट्स का तीखा वार। तो बस खत्म होने वाला है आपका इंतजार यानी। और साथ ही साथ मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एंकर शहरत देसाई। और एवरीवन यहां पर कितने लोग अभी जो हैं जो अभी यहां पर मौजूद हैं वो प्लीज एक बार जो है ना अपने दोनों हाथ उठा के क्लैपिंग कर दें अपने लिए। कई लोगों ने जो है ना ओके थैंक यू सो मच। और अगर आज का ये फंक्शन इतना अच्छा गया, एक्टिविटी इतनी अच्छी गई, अगर नाना पाटकर साहब होते ना तो कुछ ऐसे कहते अच्छा है पाना छोटा बच्चा है लेकिन अच्छा है। और अगर अमरीश पुरी जी होते कुछ ऐसे बोलते ओए 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 अरे भाई आई लव माय इंडिया। और अगर साथ ही साथ यहाँ कितने लोग हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं, सभी जानते हैं ना, तो कुछ ऐसे बोलते हो उनकी आवाज कुछ ऐसी है, सांप सांप इतना मेरा कप्पा मारा सांप बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेकर तरफ है जल सांप इतना मेरा कप्पा मारा। और अगर हमारे राजकुमार जी को कितने लोग जानते हैं, लीजेंड थे ओके, तो वो कुछ ऐसे बोलते जानी न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से और बंदा अगर डरता है तो स्प्रिंग सोसाइटी वालों की मार से। हाँ और अगर साथ ही साथ अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो कुछ ऐसे बोलते मतरा भाइयों बहनों मां आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज रात्रि 12 बजे के बाद जितने भी मेकअप हैं वो सब स्वाइप हो जाएंगे। और अगर वो होते हैं हमारे परेश रावल जी तो कुछ ऐसे बोलते पक साला झूठ बोलता पक साला रे बाबा रे देवा रे उछाल रे बाबा रे मैं रखने रे राजू कर देवा। ओके सो एवरीवन थैंक यू सो मच ना उससे एक्स्ट्रा नहीं ओके ओके ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है ओके सो मैं बताने जा रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं ना मैं ये चाहता हूँ प्लीज बैठ जाए जितने बच्चे चेयर पर बैठ जाए ओके जितने बच्चे चेयर पर बैठ जाए जल्दी से ओके ओके सो मैं जो नंबर बोलूँ उस नंबर का ही ग्रुप बनाना है, जैसे मैंने बोला 5 तो 5 लोगों का ठीक है, देखते हैं कितने लोग ओके सो नाउ मेक द ग्रुप ऑफ 4 जल्दी से ओह माय गॉड देखते हैं किसकी दोस्ती कितनी पक्की। ओके सो अभी और भी कई लोगों के ढूंढिए अपना ग्रुप ढूंढिए हाथ हाथ ऐसे नहीं करना है हाथ पकड़ के रखना है आपको नहीं तो किसी चौथे बंदे ने पकड़ लिया तो फिर ध्यान रखिए ओके सर्कल बनाना है 4 लोगों का ऐसे ओके तो कौन आउट हो गया 4 ओके सो मैम टेक द सीट एंड नाउ मेक द ग्रुप ऑफ 3 देखो कौन दोस्त हाथ छोड़ के जाता है देखिए कौन दोस्त हाथ छोड़ के जाता है ओह माय गॉड नहीं तीन लोग जल्दी से आपस में मिल जाएंगे ओके सो 3 3 3 3 मैम हाथ पकड़ के रखना 4 3 एंड 3 ओके हाथ पकड़ एक नहीं दो विनर नहीं हो सकते दो विनर नहीं ऐसे नहीं मैम ऐसे हम किसी को विनर नहीं दे सकते लेकिन हाँ एक बहुत बहुत छोटा सा काम है वो छोटा सा काम किया अब दो लोग हो गए ओके सो एक काम करते हैं एवरीवन थोड़ा सा सर्दी का टाइम है ना अगर थोड़ा सा म्यूजिक पे डांस हो जाए कितना अच्छा लगेगा ना है कि नहीं ओके सो जो सबसे बेस्ट डांस करेगा वो होगा मैम ओके बिल्कुल ओके सो प्लीज स्टार्ट रॉकिंग म्यूजिक इन लो वॉइस मैम
प्लीज।